हमारे पास आज है चैप्टर थ्री। टॉपिक नेम है हमारे पास डिसलोकेशन। आज हम डिसलोकेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को। डिसलोकेशन क्या होता है? इट इज लाइन डिफेक्ट। ये जो है एक लाइन डिफेक्ट होता है दैट एक्सटेंड अलोंग वन डायमेंशन, जिसे हम एक्सटेंड करते हैं वन डायमेंशन के अलोंग। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एज डिसलोकेशन, सेकेंड स्क्रू डिसलोकेशन, थर्ड मिक्स्ड डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन क्या होती है? इफ वन ऑफ द वर्टिकल प्लेन डज नॉट एक्सटेंड टू फुल लेंथ, हमारे पास जो वर्टिकल प्लेन है उसे हम एक्सटेंड नहीं करते फुल लेंथ पे, बट एंड्स इन बिटवीन द क्रिस्टल, और ये ख़त्म हो जाती है क्रिस्टल के बिटवीन दरमियान में, देन इट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। इसे हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। इट इज क्रिएटेड इन अ क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल पे क्रिएट की जाती है बाय द इंसर्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स। एज डिसलोकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और टॉ। इन एज डिसलोकेशन द बर्गर वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू डिसलोकेशन लाइन। एज डिसलोकेशन में जो हमारे पास बर्गर वेक्टर बी होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू डिसलोकेशन लाइन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है बर्गर वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ स्लिप। ये हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है जिसे हम डिटरमाइन करते हैं मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को। सेकेंड टाइप है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डिसलोकेशन द एटम ऑफ क्रिस्टल आर डिसप्लेस्ड इन टू सेपरेट प्लेन्स। ये जो है डिसलोकेशन के एक ऐसी टाइप है जिसमें क्रिस्टल के एटम जो है वो डिसप्लेस किए जाते हैं टू सेपरेट प्लेन्स पे, सच दैट इट फॉर्म्स अ स्क्रू शेप, और इसकी जो शेप होती है वो स्क्रू होती है अराउंड द डिसलोकेशन डिसलोकेशन के।